रमनीत सिंह बिट्टू सुन ले भैया, कर ले रिकॉर्ड, उसको भेजा था मेरे खिलाफ, वो पार्टी छोड़ के गया था लड़ने के लिए। लुधियाना में मैं गया, हराया, और आज वो कह रहा है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है। शर्मनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको तीन बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था, इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको तीन बार एमपी बनाया, और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। ये जनता भी जानती है, राहुल गांधी ने बाप ने शहादत दी है, अपने शरीर के चथड़े चथड़े उदाड़े हैं, आप उसको आतंकवादी कहते हो? और वो व्यक्ति जिसने बाप के कातिलों को भी माफ कर दिया है, अब उसको आतंकवादी कहोगे? आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। लोग इसको गद्दारी और आसान फरामोशी कहते हैं, इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फरजंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।